भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान देते हुए कहा कि भारत के साथ हुए 3 युद्धों से पाकिस्तान अब सबक ले चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हालिया स्थिति का बताकर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से विधायक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका और चीन के बाद अब आटे के लिए लड़ते पाकिस्तान की हालत देख लीजिए और चैन मनाइए कि आप श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत में है। इंडिया टुडे ग्रुप के गौरव सावंत ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। ऐसे में सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो को उठाकर कई मीडिया संगठनों ने इसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश की। इस लिस्ट में टाइम्स नाउ, द इकोनॉमिक टाइम्स, इन खबर, डीएनए और आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य शामिल है। कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी ये वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मेजर सुरेंद्र पुनिया, पत्रकार शुभम शुक्ला, सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार और धीरज शर्मा शामिल है। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने छानबीन की तो पाया कि ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि पुराना है। वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर सितंबर 2022 का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का ये ट्वीट मिला। इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए इस यूजर ने वायरल वीडियो ट्वीट किया है। यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि ये वीडियो कम से कम 4 महीने पुराना है। वहीं सितंबर 2022 में कई यूजर्स ने ये वीडियो रेडिट पर पोस्ट किया है और तो और 6 सितंबर 2022 को ये वीडियो फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया था। यानी मीडिया आउटलेट्स और प्रमुख भारतीय यूजर्स ने पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़कर जो वीडियो शेयर किया है वो हकीकत में पुराना है।